दासालिये दाले निर्मल नामा चने चने बोले बोले सदगुरु देव की। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव आज से साढ़े 600 वर्ष पूर्व 1455 में काशी लहर ताला तालाब में हुआ। उस समय पूरे देश में हिंदू मुसलमानों में काफी टकराव चल रहा था, मानव मानव में काफी टकराव चल रहा था, मानव काम क्रोध लोभ मोह रूपी अग्नि में जल रहा था। एक मानव दूसरे मानव के खून के प्यासे बने हुए थे। मानव समाज जाति पाति छुआछूत भेदभाव संप्रदायवाद विभिन्न भागों में बट रहा था। पूरे मानव समाज में हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे विषम परिस्थिति में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब इस धारा धाम पर अवतरित होकर के मानव समाज को विश्व बंधु भाईचारा एकता मानवता शांति का संदेश दिए। सदगुरु कबीर साहब काशी के कबीरचौरा के चबूतरा से उद्घोष किए, परमात्मा एक है, हम सब एक ही परम पिता परमात्मा के संतान हैं। यहाँ न कोई ऊंचा है न नीचा है न छोटा है न बड़ा है, सभी मानव एक समान है। वो कहे भाई रे दी जगदीश कहाँ से आया, कहूँ कौन बौराया, अल्लाह राम करीमा के साहरी हजरत नाम धराया, गाना एक कनकते गाना या में भावन दूजा, कहन सुनन को दी कर था पे एक निवाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कही, को हिंदू को त्रुक कहावे एक जमी पर रही, वेद किते पढ़े कुतवा ओ मौलाना ओ पारे, बेगर बेगर नाम धराया एक मिट्टी के भारे, कहे कबीर वो दोनों भूले राम ही किन्हें पाए, वो खसी वो गाय कटावे बाधी जन्म गमावे। ये दो गो ईश्वर कहाँ से आ गया, तुम लोगों को किसने पागल बना दिया है, अल्लाह राम रहीम हरी हजरत नाम धरा करके आपस में झगड़ते हो। जिस प्रकार एक सोना का अनेक गहना बनता है, कान का नाक का गला का हाथ का पूरा शरीर का आभूषण बना दिया जाए लेकिन इसमें सोना का अस्तित्व रहेगा। संत सम्राट सदगुरु देव कहते हैं पृथ्वी एक है और हिंदू मुसलमान दो, जबकि पृथ्वी तो एक ही है, एक ही मिट्टी के अनेक बर्तन बनता है, सब बर्तन का नाम अलग अलग है लेकिन मिट्टी तो एक ही है। संत सम्राट सदगुरु देव कहते हैं दोनों भूला है, इनो राम समझता है नो रहीम समझता है, हिंदू बकरा भैंसा आदि काटता है मुसलमान गाय काटता है, हिंदू कहता है मेरा ईश्वर बड़ा है मुसलमान कहता है मेरा खुदा बड़ा है। संत सम्राट सदगुरु देव कहते हैं दोनों का जीवन लड़ते लड़ते व्यर्थ में चला जाएगा, इसलिए सब भाई भाई मामा बहन बहन पूरे मानव समाज एक बन के रहो, सबको एक समान समझो। सदगुरु कबीर मानव समाज को समतल भूमि की तरह एक करना चाहते थे। सदगुरु कबीर मानव समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए अनेकों उदाहरण दिए। एक त्वचा हार मलमुत्रा एक रोगी रे गुदा, एक वंश सृष्टि रचे को ब्राह्मण को सुधरा, काली पीरी दूही गाई ताकर दूध दही बिल गाई, एक जनी जना संसारा कौन ज्ञान से भयो निनारा, गुप्त प्रगट है एक दूधा का को कहिए ब्राह्मण सुधरा, जो तू बावन बावनी काया और राह से क्यों नहीं आया, जो तू तुम तुम कौन को आया पेट गाय में सुनती कराया। सदगुरु कबीर
मानव समाज को एक सूत्र में बांधने के अनेक उदाहरण दिए हैं। सभी मानव में हड्डी मांस गुदा रक्त एक समान है, इसलिए सभी मानव एक समान है। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो कोई नहीं मुझाता है, पर काहू का दिल मत तोड़ो यह घर खास खुदा का है। मंदिर में तो भूत बसे हैं मस्जिद सफन सफाई है, दिल दरगाह में ढूंढ के देखो झलकता नूर खुदाई है। हिंदू कहे मोए राम प्यारा तुप कहे रहे माना, आपस में दो लड़ी लड़ी मोए मरम ना काहू जाना। सदगुरु कबीर मानव समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए अनेकों उदाहरण दिए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी में विराम देते हैं और आचार्य सुरेश साहब को बहुत बहुत साधुवाद, राजराज नारायण साहब को ख्याति को बहुत तनमन धन से आगे बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, इसी तरह आगे बढ़ाते रहे, बहुत बहुत साधुवाद। बोले सतगुरु की जय।